जब हमने ये बात करना शुरू की थी कुछ महीने कबल के बांग्लादेश के अंदर से और बांग्लादेश के बाहर से एक मैसिव एफर्ट्स हो रही है बांग्लादेश को चीन से दूर धकेलने के लिए और इंडिया और अमेरिका की तरफ करने के लिए, तो उस वक्त मेनी पीपल टुक दिस नॉन सीरियसली, ये सोचकर कैसा नहीं हो सकता, बट वी सेड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। बांग्लादेश के इर्द गिर्द बड़े बड़े गेम चल रहे हैं, उसका एक पड़ोसी यानी इंडिया एंटी चाइना अलायंस क्वाड का बुनियादी मेंबर बना हुआ है, तो उसका दूसरा पड़ोसी म्यांमार हुकूमत ही टोपल करवा के बैठा हुआ है अपनी। बांग्लादेश बीच तूफान के बीच में खड़ा अगर ये सोचे कि मेरी पॉलिसी तो ये है लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन, मेरे दाएं बाएं भले ही गेम हो रहे हों लेकिन इसका असर मेरे पे नहीं पड़ेगा, तो दिस इज नॉट लॉजिकल। असर पड़ रहा है और बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। बांग्लादेश के अंदर वही सूरत हाल है जो कि म्यांमार के अंदर थी। म्यांमार में दो ग्रुप थे, एक इंडिया और अमेरिका की फेवर में था यानी आंग सान सू की साहिबा का ग्रुप, और एक चीन का हिमायती ग्रुप था यानी फौज की पार्टी। वियतनाम से शिकस्त के बाद अमेरिका इस रीजन को ऐसे भूला कि दोबारा पलटकर इस रीजन को अमेरिका ने देखा नहीं, ये जांचने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अमेरिका ऐसा गया कि दोबारा इस रीजन को नहीं देखा। लेकिन अब अचानक से ये क्या हुआ कि अमेरिका को इस रीजन की याद आ गई है, जमहूरी इकदार याद आ गई है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज याद आ गए, और इसका नतीजा फिर ये निकला कि अमेरिका की दोस्त आंग सान सू की साहिबा ये बातें करने लगी इलेक्शन से पहले कि देखें फौज को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, ये गैर जमहूरी है, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जब मैं आऊँगी तो मैं फौज का रोल ख़त्म कर दूँगी पॉलिटिक्स से। लिहाजा आंग सान सू की को बड़ी भारी अक्सरियत से धांधली करवा के जितवा के आ गए, और इसके नतीजे में फिर मार्शल ला आ गया वहाँ पर। इसके बाद मामला अभी तक वहीं के वहीं है। बांग्लादेश के अंदर भी म्यांमार जैसा ही कुछ कुछ सेटअप है, जहाँ भी दो ग्रुप्स हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, एक पुराना बुड्ढे बाबों का एक ग्रुप है जो कि प्रो इंडिया है, और एक नया नस्बतन नौजवानों का ग्रुप है। यानी इसके अंदर आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुराने बुड्ढे बाबे नज़र नहीं आते, लेकिन ये एक मॉडर्न किस्म का ग्रुप है। कुछ कुछ इसके अंदर जीरख लोग ज़रूर शामिल हैं, यानी एजड लोग इसके अंदर ज़रूर शामिल हैं, लेकिन मोस्टली इसके अंदर वो लोग शामिल हैं जो कि बाद की पीढ़ी है, 1971 के बाद की पीढ़ी है। ये ग्रुप इंडिया की फेवर में नहीं है, ये चीन की फेवर में ग्रुप है। लिहाजा कभी कभी आपको बांग्लादेश के अंदर ये जो बुढ़े बाबों वाला इंडियन ग्रुप है इसकी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही होती हैं इंडिया की फेवर में, तो कभी चीन का ग्रुप कहता है कि ऐसे कैसे बाबू, ऐसे कैसे इंडिया को हम यहाँ पर पंजे गाड़ने देंगे, हम भी तो खड़े हैं राहों में। और अभी तक चीनी ग्रुप का पलड़ा बांग्लादेश के अंदर भारी रहा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस वक्त तक भी जब हम बात कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम बड़ी भारी कोशिशें होती रही हैं इंडिया और अमेरिका की जानिब से कि बांग्लादेश उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। और बैकग्राउंड में होने वाली इन आला तरीन लेवल पर जो कोशिशें हैं इन पे चीन के बांग्लादेश के अंदर सफीर ने अब खुलकर बयान दे दिया है। खुल के उन्होंने दो टोक लफ्जों में सीधी बात की है, और ये बात ऐसे ही नहीं की उन्होंने, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो चीनी सफीर हैं उन्होंने ये बात की है, वरना उनको ये बात करने की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन चूंकि एक प्रॉपर सीरियस अटेम्प्ट हो रहा है जिसके पीछे अमेरिका और इंडिया मुलविस हैं, और वो अटेम्प्ट ये है कि बांग्लादेश को क्वाड में शामिल करवा लिया जाए। अगर क्वाड में बांग्लादेश जाता है तो समझे ये इंडिया और अमेरिका की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ चाइना बांग्लादेश रिलेशंस। चीन क्वाड को इस कदर सीरियस लेता है, चीनी सफीर का कहना है कि चाइनाज रिलेशंस विल बांग्लादेश विल बी सब्सटेंशियली डैमेज इफ बांग्लादेश ज्वाइंस क्वाड। अगर आपने क्वाड को ज्वाइन किया, जो कि कोशिशें हो रही हैं, और जैसा कि हम ब्रॉडर व्यू में बड़े अरसे से कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी इफर्ट्स हो रही हैं, तो चीन के सफीर का कहना है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके और हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो जाएंगे। ये वो मुल्क कह रहा है जिसने बांग्लादेश की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहा है, चीनी सफीर ऐसा क्यों कह रहा है? इनका कहना है कि ये जो क्वाड है ना, ये तो चीन के खिलाफ बनने वाला मिलिट्री अलायंस है, तो फिर आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जबकि आप ये कहते हैं कि चीन हमारा पार्टनर है। आपका कोई फायदा नहीं होना बांग्लादेश का, हमारा नुकसान जरूर होगा इस अलायंस में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो।
इस वक्त चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्वाड को इन मुल्कों तक ही रोक के रखना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, और किसी और मुल्क को इसके अंदर शामिल करने से रुकवाना चीन का सबसे बड़ा चैलेंज है। जबकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्वाड के मुल्कों का नंबर 4 से बढ़ाकर 14, 40, 44 जितना भी हो सके उतना उसको बढ़ाया जा सके। और फिर दूसरा मरहला ये होगा कि इसको एशियन नेटो बनाने की कोई शक्ल दे दी जा सके। म्यांमार में कोशिशें की गई लेकिन वहां बात नहीं बनी, फौज आ गई। अब बांग्लादेश के अंदर खामोशी के साथ बहुत बड़ा अटेम्प्ट हो रहा है अमेरिका की जानिब से। और इससे पहले 27 अप्रैल को, आप देखें फ्रीक्वेंटली चीजें हो रही हैं, 27 अप्रैल को चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से जब मुलाकात की तो यही बात करके गए। और अब वो तकरीबन 12-13 दिनों के बाद, लेस देन टू वीक्स दूसरी बार चाइना की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर ये बात की गई है। तो फ्रीक्वेंटली ये चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे चीन परेशान है, और इसी परेशानी का इजहार चीन की जानिब से बार बार किया जा रहा है। चीनी सफीर का यह भी कहना था कि जनाब ये तो एक छोटा सा टोला है जो कि चीन के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है क्वाड के नाम से, इसमें ज्यादा लोग देखे हैं नहीं, लिहाजा बांग्लादेश अगर इसमें जाता है तो फायदा तो उसको वैसे भी नहीं होना है। इस पे बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है, ए के अब्दुल मोमिन साहब ने, हम एक अलग इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हमारी मर्जी हम जो भी करें, लेकिन हाँ चीन को ये पसंद नहीं है कि हम क्वाड ज्वाइन करें। यानी दोनों तरफ का उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, ये कहकर अमेरिका और इंडिया को भी खुश किया है कि हम इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हमारी मर्जी हम जो भी करें, और ये कहकर चीन को भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि हमें आइडिया है कि चीन को ये पसंद नहीं कि हम क्वाड में जाएं। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको ये बता सकते हैं कि इस वक्त भी बांग्लादेश के ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर अमेरिका की जानिब से डेवलप किया गया है कि आप क्वाड ज्वाइन कर लें। देखें क्वाड में बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं ये इंडिया से भी ज़्यादा रेलेवेंट मुल्क हैं, इनकी सिग्निफिकेंस इंडिया से भी ज़्यादा है, स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करते हैं। और बांग्लादेश पे इस कदर प्रेशर इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि स्ट्रेटजिकली लोकेशन के हिसाब से म्यांमार और बांग्लादेश एक अहम तरीन मुल्क हैं। बांग्लादेश के अंदर अगर अमरीका आके बैठ जाता है तो बे ऑफ बंगाल पे उसका असर बढ़ जाएगा, और बे ऑफ बंगाल इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उस पोर्ट के, म्यांमार का वो जो पोर्ट है जो कि चीन को इनेबल करता है कि वो स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास करके सीधी कनेक्टिविटी हासिल करे म्यांमार के थ्रू चीन के यूनान सूबे तक, तो बे ऑफ बंगाल उसके नज़दीक है। यानी अगर म्यांमार चला भी जाता है चीन के साथ तो अमेरिका अगर यहाँ पे अपने शिप्स लेके बैठता है या इंडिया अपने शिप्स लेके बैठता है तो प्रेशर तो बहरहाल चीन के ऊपर बना रहेगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल में अमेरिका बैठा हुआ होगा और इसके पास ही फिर चीन की सप्लाई लाइन होगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बे ऑफ बंगाल की इम्पोर्टेंस इस हवाले से है, म्यांमार की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्वाड में अगर म्यांमार आ जाता है, लेकिन म्यांमार के आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वहां पर अब फौज आ चुकी है। इस हवाले से डबल प्रेशर आ चुका है बांग्लादेश के ऊपर कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका के साथ चले जाएं ताकि यहां पर इस रीजन में चीन के ऊपर अमेरिका दबाव बना सके अगर इधर अमेरिका और इंडिया की प्रेजेंस बढ़ जाती है तो।